आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख को फ्रीलांसिंग कर सकते हो सीख के। तो मेरी ये बेस्ट एडवाइस है, मेरा ये अनुभव कहता है कि आपको शुरू में कोई भी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। आप SEO में भी आपकी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, आप गूगल एड्स में भी कर सकते हो, सोशल मीडिया में भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज में जैसे ही आपके पास एक्सपर्टीज आ गई उसके बाद क्या कर सकते हो आप, freelancer.com है, अपवर्क है, फाइवर आर है, वो सभी में जाकर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करो। अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके आपका जो पहला गोल है वो यही रहना चाहिए कि क्वालिटी काम करो, क्योंकि रिव्यूज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपके रिव्यूज अच्छे हैं तो ही आपको आगे काम मिलेगा। तो भले ही आप काम करो, सस्ते में काम करो, लेकिन आपके रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। सामने वाले ने जो ऑब्जेक्टिव के साथ, जो मोटिव के साथ आपको काम दिया है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो होने के बाद आप ये सब जगह पर चेक कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी जगह पर आपको बहुत सारे काम के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला, फोकस ऑन द क्वालिटी, फोकस ऑन द ऑन टाइम डिलीवरी, ये दो चीज अगर आपने दिमाग में रख ली तो वंस यू आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया यू कैन डेफिनेटली गेट लॉट्स ऑफ वर्क फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।